क्योंकि साढ़े कोल है नहीं फोरेंसिक लैब, सानू इधर उधर भेजनी पैंदी है जिहड़ी वो ड्रग है कि वह कि सी ता कि उहदा पूरा चैक किया जा सके। सो एक फोरेंसिक लैब वास्ते उन्होंने सानू ऑफर किया अमृतसर दे विच, असीं उन्हां नूं जगह दे देंगे क्योंकि अमृतसर के नेड़े तेड़े ज़्यादा प्रॉब्लम है इस किस्म की सरहदी जिले च बॉर्डर एरिया च। सो असी फोरेंसिक लैब वास्ते उन्होंने जो अज सानू कहा असी उहदा स्वागत करदे हां। वो भी यही कहा सीगा कि यह जिहड़ा हुण जिहड़े गैंगस्टर ने इन्होंने नाल ड्रग्स गैंगस्टर ते टैररिज्म इकट्ठे कर ले कि जे तू एक किलो हैरोइन लेके जाना तो दो पिस्तौल भी लै जाना। तो इंटर स्टेट इन्होंने गैंगस्टर ने अपना नैटवर्क बना लिया, कोई देहरादून तो फड़िया जाता है, कोई सहारनपुर तो असी 7 लाख टैबलेट फड़ के लियाने, कोई राजस्थान तो फड़िया जाता है, कोई गुजरात तो सानू ड्रग मिल रही है। सो सारा ये सानू खास तौर पर अपने अपने पोलिटिकल जिहड़े पद्धर ने उन्हां तो उपर उठ के सानू जां क्रैडिट वार तो उपर उठ के कि मैं फड़े ने तुसीं 5 फड़े ने मैं 7 फड़े ने, इस चक्कर चों निकल के ये करिए कि आप सारे कट्ठे मिल के सारिया जिहड़ियां पुलिस ने जां एजेंसियां ने इकट्ठियां होकर काम करन ताकि पंजाब दे नौजवान जिहड़े फ्रस्ट्रेशन करके जां बेरोजगारी करके इधर उधर बुरी संगत का शिकार हो गए उन्होंने वापस लिया। देखो काम दौरान इदा दियां जिहड़ियां तलखियां चलदियां रहिंदियां ने, डॉक्टर साहब डॉक्टर राज बहादुर मेरे बड़े अच्छे मित्र ने, बहुत पुराने जो तो मेरे पिता जी दे स्पाइनल कॉर्ड ते इंजरी हो गई सी तो वो उस वेले 32 सैक्टर के मैडिकल कॉलेज के वो प्रिंसीपल भी सी, PGI के डायरेक्टर भी सी। सो बड़े अच्छे डॉक्टर ने, पर काम दौरान तलखियां हो जांदियां ने, पर मैं ये भी गल मनदा कि इस मामले नूं वधिया तरीके नाल भी हैंडल किया जाए।